एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर इलेवन ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लाट्स सो डिया टूडे वी हैव कम्प्लीटेड एक्सरसाइज चैप्टर हमारा ऑलरेडी ही एक्सप्लेनेशन कम्पलीट हो चुका है तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैच द स्ट्रक्चर गिवेन इन कॉलम वन विद फंक्शन गिवेन इन कॉलम टू हमें स्ट्रक्चर को मैच करना है फंक्शन बताना है स्टोमेटा इस्टोमेटा का बी नंबर होगा ट्रांसपायरेशन जयलम जाइलम का डी नंबर होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर रूट हेयर रूट हेयर का ए नंबर होगा एब्जॉर्बन ऑफ वाटर एंड फोर्थ नंबर है फ्लोएम फ्लोएम का होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड फिर आपका फलिंदा ब्लैंक्स दिया गया है फलिंदा ब्लैंक्स में आपका फर्स्ट में होगा आर्टरी सेकेंड में रेड ब्लड थर्ड में कैप्टरीज फोर्थ में हार्ट बीट फिफ्थ में आपका यूरिया सिक्स में होगा आपका सॉल्ट सेवन में होगा आपका यूरिन और एट नंबर में होगा आपका ट्रांसपायरेशन फिर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है चूज द करेक्ट ऑप्शन इसमें आपको ऑप्शन बताना है इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जायलम वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रो रूट कैन बी इंक्रीज बाई कीपिंग द प्लांट्स इसमें होगा अंडर द फैन क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन अ प्लांट और इन अ एनिमल क्यों जरूरी होता है बट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होना एनिमल और प्लांट्स में इन प्लांट्स एंड एनिमल द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी इट कैन बी एक्सप्लेन एज विलो यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं क्यों ज़रूरी होता है फर्स्ट पॉइंट है आपका एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर फ्राम इंटस्टाइन एंड ऑक्सीजन फ्राम लंग्स टू ऑल अदर बॉडी पार्ट्स एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है फूड और वाटर के लिए फ्राम इंटस्टाइन इंटस्टाइन के थ्रू ये होता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन लंग्स के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स में होता है

जीप्स से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए और अदर वाटर मिनरल्स को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका व्हाट विल हैपन इफ़ दे आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड क्या होगा अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स ना पाया जाए प्लेटलेट ब्लड कैन नॉट क्लॉट विदाउट द प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द टाइम ऑफ इंजरी विथ ब्लीडिंग अगर हमारी ब्लड ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो अगर हमें चोट लगेगी तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी यानी कि लगातार इंजरी अगर हमें इंजरी हो जाती है चोट लग जाती है तो लगातार उसमें से ब्लड फ्लो होता रहेगा बंद नहीं होगा और ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी If there are no platelets, there, they are, uh, then there would be no clotting of blood and ultimately person may die due to the excess of flow of blood. और अगर blood की clotting नहीं होगी, लगातार blood का flow होता रहेगा, तो खून, जब flow होता रहेगा, तो blood खत्म हो जाएगा body से, तो जो person होगा already die हो जाएगा, मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका आर स्टोमेटा गिव टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा स्टोमेटा क्या होता है उसके फंक्शन बताने हैं स्मॉल पोर्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड स्टोमेटा छोटे छोटे स्मॉल पोर्स जो होते हैं लीव्स के उसको स्टोमेटा कहा जाता है फंक्शन ऑफ़ स्टोमेटा में फर्स्ट नंबर है आपका एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन पहला इसका फंक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना एंड ट्रांसपाइशन टू रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करना ट्रांसपारेशन प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका डस्ट ट्रांसपारेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन दियर प्लांट्स क्या किसी तरह का यूजफुल फंक्शन परफॉर्म करता है ट्रांसपारेशन एक्सप्लेन करना है तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका द एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट लॉट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑफ देयर सराउंडिंग बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपारेशन जब प्लांट्स क्या करते हैं रूट सिस्टम के थ्रू एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उस वाटर को क्या किया जाता है वाटर वेपर के रूप में लॉस किया जाता है और आसपास से उसको इवापरेट कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोरेशन सेकेंड नंबर है इट आल्सो इन ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉप वाटर टू लीव्स ऑफ प्लांट फ्रॉम द रूट्स फॉर फोटोसिंथिक्स एंड हेल्पिंग द प्लांट्स प्लान कीपिंग इरेक्ट इसके अलावा वाटर इट आल्सो ट्रांसपोर्ट ऑफ एबजॉप एब्जॉर्व वाटर को यह ट्रांसपोर्ट भी करता है लीब्स ऑफ प्लांट्स फ्राम द रूट बा द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जिससे प्लांट्स क्या होते हैं इरेक्ट होते हैं इरेक्ट मतलब सीधे खड़े रहते हैं है ना बना अगर ये प्रोसेस भी ना हो मतलब ऊपर से जो जैसे जो न्यूट्रिय मटीरियल बनता है तो ऊपर की तरफ जाता है ये तो बेस्कुलर टिश्यूज़ भी करते हैं और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो कुछ प्रोसेस में क्या होता है एब्जॉपशंस भी इवापरेशन भी होता है तो वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है थर्ड नंबर है आपका इट आल्सो प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट फॉर द प्लांट इसके अलावा ये आसपास प्लांट्स के प्लांट्स को ये कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है प्लांट्स के आसपास का एटमोसफियर ठंडा रखता है वाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वॉट आर द कम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड ब्लड के मेन कम्पोनेट्स क्या क्या होते हैं तो पहला है आपका रेड ब्लड सेल्स आर बी वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यू प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा क्वेश्चन नंबर नाइन वाई ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ आर बॉडी तो ब्लड इज नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ़ बॉडी क्यों ज़रूरत होती है ब्लड इट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स इट कैरीज ऑक्सीजन ब्लड क्या करता है ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लंग्स तक पहुंचाता है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर कर दिया जाता है इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड टू वे वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी बाय एब्जॉर्ब्शन इसके अलावा कई तरह के डाइजेस्टेड फूड को ये कैरी करता है और जिससे पूरी बॉडी में उसका एब्जॉपशन होता है इट कंटेन प्लेटलेट्स विथ हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इट हेल्प इन मेन्टेनिंग कंस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड हेल्प इन फाइटिंग द बॉडी विद जम्स एंड बैक्टीरिया फिर क्वेश्चन नंबर टेन है वॉट मेक्स द ब्लड लुक रेड वो क्या चीज होती है जो ब्लड को रेड कलर देती है इट प्रजेंट ऑफ द रेड पिगमेंट कॉल द हिमोग्लोबिन की वजह से डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट आपको हार्ट का फंक्शन बताना है इसमें फंक्शन ऑफ हार्ट इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन दिश ब्लड थ्रू आउट द बॉडी बाय द पंपिंग पहला क्या है ब्लड क्या करता है हार्ट uh, क्या करता है सर्कुलेशन करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में बाय द पंपिंग प्रोसेस सेकेंड नंबर इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स और ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है इट आल्सो पंप बैक द ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स इसके अलावा ये ब्लड कैर ऐसे ब्लड को भी पम् बैक पम्प करता है जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होते हैं इट शो इथमेटिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ ब्लड इसके अलावा हार्ड क्या करता है रिथमेटिक कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट शो करता है वाई इट इज नेसेसरी टू एक्सट्रेट वेस्ट मटेरियल क्यों जरूरी होता है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सट्रेट करने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस इन आवर बॉडी आर हार्मफुल फॉर द बॉडी सो इट इज नेसेसरी टू एक्सट्रेट वेस्ट प्रोडक्ट में कई तरह की मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं जिसपे हमारी बॉडी के हार्मुल प्रोडक्ट हार्मफुल मटेरियल्स uh, होते हैं जिसको बॉडी के बाहर रिमूव कर देना चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन में आपको डायग्राम बनाना है ह्यूमन सिक्योरिटी सिस्टम का एंड लेबल भी करना है सो so यहाँ पर दिया गया है आपको डायग्राम बनाना है अपनी कॉपी में इसके अलावा आपको हार्ट का डायग्राम भी बनाना है इसके अलावा आपको हार्ट का डायग्राम भी, भी बनाना है अपनी कॉपी में हालांकि दिया नहीं है आपको बनाने के लिए बट आपको अपनी कॉपी में बुक में दिया है आपके डायग्राम बनाना है और आपको ये सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन भी बनाना है मैंने पहले भी आपको बताया था जिन्होंने नहीं सुना है तो बनाएंगे कॉपी में सो स्टूडेंट्स आई होप सो ऑल ऑफ यू हैव बेटर अंडरस्टैंड दिस लेसन जहाँ तक मैंने कोशिश की है आपको इजी से इजी वे में लेसन को एक्सप्लेन करने में अगर आपको कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार बुक रीडिंग भी कर लीजिएगा और वीडियोज़ को ध्यान से सुनिए ध्यान से देखिए क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर आपको समझ में एक बार में नहीं आता दो बार तीन बार आप वीडियोस को देखिए अंडरस्टैंड करिए इसके अलावा आई ऑल स्टूडेंट्स प्लीज़ कंप्लीट योर कॉपी एंड सेंड मी पिक्चर इन माय व्हाट्सअप नंबर ओके एंड थैंक यू एंड हैव अइस स्टे